मंडी के ऐतिहासिक पटेल मैदान में तारना स्पोर्ट्स क्लब द्वारा आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता का खिताब ईश्वर वल 11 के नाम रहा, जबकि फ्रेड्स क्लब जोगिंदर नगर की टीम उप विजेता रही। प्रतियोगिता के समापन समारोह की अध्यक्षता कुश्ती संघ व किक बॉक्सिंग एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रमोहन शर्मा ने की। प्रतियोगिता का फाइनल मैच समापन समारोह की मुख्य अतिथि चंद्रमोहन शर्मा के समक्ष खेला गया। 20 ओवर की इस मैच में बल 11 की टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया, जिससे फ्रेंड्स क्लब जोगिंदर नगर की टीम ने पहले बोटिंग करते हुए 7 विकेट पर 117 रन बनाए और जीत के लिए प्रतिद्वंदी टीम के सामने 118 रन का लक्ष्य निर्धारित किया, जिसे बल 11 की टीम ने 7 विकेट के नुकसान पर 18 ओवर में पूरा कर जीत अपने नाम दर्ज की। इस अवसर पर स्पोर्ट्स क्लब हटारने की ओर से मुख्य अतिथि चंद्र मोहन शर्मा द्वारा विजेता टीम को ट्रॉफी के साथ 31,000 और उप विजेता टीम को ट्रॉफी के साथ 21,000 की नगद राशि प्रदान की गई। वहीं तीसरे स्थान पर रही मंडी की दबंग 11 की टीम को ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया गया। वहीं फ्रेंड्स 11 जोगिंदर नगर के मयूर मैन ऑफ सीरीज रहे। आज का युवा कल का भविष्य, कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आज तारना स्पोर्ट्स क्लब ने सबको करके दिखाया है। यहाँ पे 32 करीबन टीमें यहाँ आई हैं और पूरे हिमाचल के कोने कोने से बच्चे चल के यहाँ आए हैं और जिस तरह से इन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाई हैं और इनको यहाँ अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला है, इसका सारा जो श्रेय है तारना स्पोर्ट्स क्लब को जाता हूँ। एक बार फिर से इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और चाहता हूँ कि भविष्य में भी इसी तरह की प्रतियोगिताएं ये करवाते रहें। थोड़ी सी अमेंडमेंट की जरूरत है, अगर हम इसको और भी अच्छा करें तो हमारे बीच में से ही सचिन तेंदुलकर निकलेंगे, हमारे बीच में से ही सुरेश रैना निकलेंगे, साइना नेहवाल आएगी, उससे अच्छे अच्छे भी हमारे बीच में से निकल सकते हैं। भारत एक ऐसा देश है जिसमें जो विद्या के क्षेत्र में कभी भी पीछे नहीं रहा है, खेलों के क्षेत्र में भी अच्छा काम किया है, लेकिन मैं इसी तरह से जो इवेंट्स हैं, टूर्नामेंट्स हैं, वर्ल्ड वाइड अटेंड करता रहता हूं, राज्य में जाता हूं, देश में जाता हूं, विदेश में जाता हूं। बड़े दुख की बात होती है पर मैं वहां पे हिमाचल के बच्चे बहुत कम पाता हूं। ये नहीं है कि हमारे बच्चे आगे नहीं जा सकते, मैं नैना देवी जी की, माँ तारना जी की कसम खा के कहता हूं कि आप बच्चे उनसे अच्छे हैं, परंतु आप बच्चे आगे नहीं आ रहे हैं, इसमें आपका कोई गलती नहीं है। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपको जो प्लेटफॉर्म है, जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है।